तो हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ कुछ स्कूल्स में ऑप्टिक्स को पहले स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बाद में स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी से की। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। यस, सो टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिक्स। What is optics? पहले ऑप्टिक्स देख लेते हैं। तो पहले चैप्टर नेम लिख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर क्या है, 4। हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइट। व्हाट द नेम ऑफ चैप्टर? लाइट। एंड लाइट है ऑल्सो, लाइट के बारे में भी पढ़ना है और लाइट में हमें देखना है स्पेशली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। चलिए देखेंगे वन बाय वन, सभी को समझेंगे। तो ये एक्चुअली लाइट, लाइट को हम एक फिजिक्स की ब्रांच के नेम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स है ना, चैप्टर हम स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन शुड बी इन वेरी नाइस वे। तो ऑप्टिक्स, तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वेरी ब्रॉड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमिनन। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फिनोमिनन। गेट इट? लाइक आपने सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्चुअली ट्विंकल ऑफ लिटिल स्टार क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फिजिक्स फिनोमिनन। तो एग्जांपल हम लिखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, ये फिजिक्स का ही फिनोमिनन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। And red or color of the sun in morning and evening. So other examples also. तो ये हमें देखने वाले हैं। Okay, optics के 2 branches होते हैं, especially branches. कितने branches होते हैं? 2. One is ray optics. And we have to cover this in our syllabus, ray optics. और रे ऑप्टिक्स में भी हम क्या देखने वाले हैं, स्पेशली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। तो देखेंगे, एक होता है वे ऑप्टिक्स। यस, रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। वे ऑप्टिक्स अभी नहीं है, नॉट इन सिलेबस ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 के सिलेबस में वेव ऑप्टिक्स का कोई भी फिनोमिनन नहीं है, तो रे ऑप्टिक्स के फिनोमिनन है। तो देखना है अब हमारा मेन टॉपिक स्पेशली क्या कवर करना है, रे ऑप्टिक्स। तो कई बार मैं लाइट ना कहूं, रे ऑप्टिक्स कहूं, देन आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो इतना समझ में आता है। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें रे ऑप्टिक्स में कौन से नेचर की बात करेंगे लाइट के, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। यस, चलिए फटाफट इरेज करते हैं। क्या होता है लाइट, अरे भाई लाइट, इफ देयर इज अ लाइट सो वी कैन सी एनीथिंग, एट द इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, सो इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी एनीथिंग। तो लिखते हैं लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनीथिंग इज विजिबल।
अरे भाई नाइट में हमें क्यों नहीं दिखता अगर मून लाइट भी ना हो तो लाइट नाइट में हम देख पाएंगे नो वी रिक्वायर टॉर्चेस एंड अदर थिंग्स तो लाइट से ही हमें कोई थिंग्स दिखाई देती है और दिखाई देने का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनीथिंग लाइट विल इंसिडेंट लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट विल इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऑब्जर्वर की आईज में एंटर होगी देन that person can see object, getting? तो light हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे क्या होता है reflection. अब main topic पर जाते हैं, light का कौन सा topic special देखना हमें अभी? Reflection, ये बहुत long topic चलेगा, reflection of light, okay? Reflection of light. क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या कुछ भी थिंग्स हमने बॉल पर अगर कोई बॉल को दे रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में उसी प्लेस पर आ रहा है या उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना तो क्या लिखेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट bouncing back of light is called reflection of light getting my point so bouncing back throw kiya वापस आ जाना in this case we required only single medium जब हम refraction की बात करेंगे then we required minimum two mediums but here we required only single medium yes Types of reflection of light. There are two types of reflection of light. One is regular reflection. Second is irregular reflection. So first, regular reflection. What is the meaning of regular reflection? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमें कोई सरफेस कैसे लेनी है प्लेन सरफेस लेनी है लाइक अ प्लेन मिरर यस अगर रिफ्लेक्शन ऐसा हो लाइट ऐसी इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट ऐसी चली जाए ऐसी इंसिडेंट हो और ऐसी चली जाए ऐसी इंसिडेंट हो और ऐसी चली जाए फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल बना देते हैं अभी नॉर्मल भी समझ लेंगे क्या है ये तो ये इंसिडेंट हो और ऐसी चली जाए इंसिडेंट हो और ऐसी चली जाए इस टाइप से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे ये सपोज कीजिए मिरर है प्लेन मिरर मिरर के बारे में भी देखेंगे डोंट वरी ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे अगर सारी रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल हो जितनी भी रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी क्या हो आपस में पैरेलल हो तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हमने क्या बोला है रेगुलर रिफ्लेक्शन सेकंड देखते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन अरे भाई सरफेस कैसा हो प्लेन ना हो कैसा हो रफ सरफेस हो कैसा हो डिफ्यूज सरफेस हो रहे इररेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं अगर इस टाइप से कोई रिफ्लेक्ट सरफेस है तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई ये ऐसे चलेगी ऐसे इंसिडेंट हुई ऐसे चलेगी ऐसे इंसिडेंट हुई ऐसे चलेगी तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे बताइए इररेगुलर और डिफ्यूज reflection getting everything okay I hope you are getting this all maza aa raha hai you will enjoy this chapter because this is very interesting we can say I like this chapter a lot that's why aap meri energy se hi aapko samajh mein aa jayega okay वैसे तो physics subject hi aisa hai ki aap koi sa bhi topic le lo aapki day to day life se related milega aur bahut enjoy bahut maza aayega आप एक बार इन्वॉल्व हो जाओ फिजिक्स में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा ओके चलिए देखें तो अब हमने रिफ्लेक्शन देख लिया है अब हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं उसके कुछ लॉज होते हैं लॉज को फॉलो करते हैं तो लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं लॉज ऑफ और लिख रहे हैं पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 9 में देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं एक प्लेन मिरर ले लेते हैं ये लीजिए प्लेन मिरर ले लिया इंसिडेंट रे ये एक रे ले ली है ये रिफ्लेक्टेड रे ले ली है
और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, राइट। ये है हमारा प्लेन मिरर, ये ए नेम दे दिया, ये बी नेम दे दिया और ये सी नेम दे दिया। तो यहां पर लिख लेते हैं पहले ये है क्या, ये समझ में आएगा। ओके, ए बी यहां पर है इंसिडेंट रे, ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, बी एन, ये देखिए बी एन क्या है यहां पर, बी एन, ये बी और ये एन, नॉर्मल, नॉर्मल को रे मत बोलिए, कई स्टूडेंट को मैंने पहले भी समझाया, क्लास में भी समझाता हूं, तो वो नॉर्मल रे बोलते हैं, नॉर्मल इज नॉट अ रे, राइट। तो नॉर्मल, नॉर्मल इज जस्ट परपेंडिकुलर ऑन एनी सरफेस, इज दिस क्लियर। ओके, नाउ वी हैव टू सी एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंड वी विल कॉल दिस एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज वी विल कॉल आर। ओके, सो हियर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस यस, एंड आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी थिंग्स मैंने यहां पर लिख दी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस, गेटिंग। तो इतना क्लियर है, तो अब लॉज को हम लिख लेते हैं, ये मैंने सारी थिंग्स दे दी है आपको, तो आप फर्स्ट लॉ लिखते हैं। इसमें ऐसा कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट, हम चाहे तो फर्स्ट को फर्स्ट लिख सकते हैं, जो सेकंड लिख रहे हैं उसको भी फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ है ना, क्योंकि न्यूटन के जो अगर फर्स्ट लॉ की बोले तो फर्स्ट को फर्स्ट ही लिखना पड़ेगा, ये तो एक जनरल लॉ है कि आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ में हम लिखते हैं इंसिडेंट रे, रे इंसिडेंट रे क्या है, ए बी, जैसे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ए बी है, अगर आप दूसरी लेना चाहें तो चलिए हम इनको ए बी नहीं लिखते, हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई, lie all lie on same plane at which, same plane ही लिख लीजिएगा, same plane का मतलब देखिए यहां पर ये normal, ये incident ray and this reflected ray all are lying at same plane एट पॉइंट द इंसिडेंट पॉइंट, देखिए इंसिडेंट पॉइंट है, इसी प्लेन पर सारे नॉर्मल भी होगा, इंसिडेंट रे भी होंगी एंड रिफ्लेक्टेड रे भी होंगी, ये फर्स्ट लॉ है, इसको चाहे तो आप सेकेंड भी बोल सकते हैं, आप सेकेंड लिख लेते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। इसमें ऐसा कन्फर्म नहीं है कि भाई फर्स्ट बोल दिया तो फर्स्ट में फिर हमें वही लिखना होगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले मैंने बता दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज ऑलवेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लेते हैं, अभी हम क्या देखने देखेंगे आगे जाकर, वी विल सी स्फेरिकल मिरर, तो ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर स्फेरिकल मिरर ऑल्सो, ये भी याद रख लीजिएगा, स्फेरिकल मिरर्स ऑल्सो, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी ट्रू होंगे, इज दिस क्लियर। ओके, चलिए यहां तक हो गया, लिख लिया ना, इरेज कर दूं। ओके, चलिए नाउ we have to see image formation by plane mirror, general knowledge है ये, हमें देखना पड़ेगा, NCERT में सिर्फ introduction में लिखा होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा detail में ले जा रहा हूँ। Image formation, वैसे मैं NCERT को ही follow करता हूँ, image formation by plane mirror, but क्योंकि हम day to day life में कौन सा mirror को बहुत observe करते हैं easily, we just observe plane mirror in our day to day life, तो
क्या क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। देखिए प्लेन मिरर की बात करूं तो ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, राइट। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो हमारी बनने वाली है वो यहां कहीं बनेगी, ओके इस टाइप से। तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होंगी, रियल ऑब्जेक्ट की, वही डिस्टेंस बैक साइड बिहाइंड द मिरर किसकी होंगी, इमेज की होंगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है। और ये जो इमेज बनने वाली है वो कैसी बनेगी, तो इसका कुछ देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, फर्स्ट ऑलवेज मींस वर्चुअल, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कौन से ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट्स वर्चुअल इमेज, यस। सेकंड देखते हैं इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी मिलना, अपराइट, अपराइट, गेटिंग इरेक्ट मिलेंगी। थर्ड केस में हमें देखना है व्हाट एवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू इमेज फ्रॉम मिरर। ये कहां है, राइट साइड। देखिए ये डिस्टेंस जितनी होगी, जैसे ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, राइट साइड। ये किधर है, राइट साइड, दिस इज व्हाट, राइट साइड। सो यू अंडरस्टूड, ये चीजें ध्यान रखना है। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं इमेज की, दिस ऑलवेज शो प्लेन मिरर ऑलवेज शो लेटरल इन्वर्जन। अगर लेफ्ट हमें रेस करते हैं तो हमें कौन सा दिखाई देता है, राइट, और राइट अगर रेस करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट। तो ये क्या शो करता है, लेटरल इन्वर्जन, ओके। सो यू अंडरस्टूड दिस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेसिक थिंग्स हमने स्टार्ट कर दी है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट स्फेरिकल मिरर्स, यहां से हमारा मेन हेडिंग स्टार्ट होगा। तो स्फेरिकल मिरर्स को पहले हम समझेंगे, उससे रिलेटेड वो टर्म्स होंगी, उसमें इमेज फॉर्मेशन होगा, एंड दीज मिरर्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड बेसिक कॉन्सेप्ट, इट जस्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, एंड ये भी वीडियो को जब इसी वीडियो से आप स्टार्ट कीजिएगा, और इनको देखना भूलना नहीं है। अगर वन वीडियो भी आपने नहीं देखा तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर लाइट, तो इसको स्टार्ट अगर आप कर देते हैं अभी से तो आगे तक भी इसको चलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अवेयर, टेक केयर और बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।